हेलो, आवाज आ रही है? यस यस मैम। मैम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बच्चों। गुड मैम आ रही है। मॉर्निंग। मॉर्निंग। क्या पढ़ेंगे आज? लैंग्वेज के लिटरेचर बताइए। लिटरेचर? मैम लिटरेचर। मैम लिटरेचर। क्या पढ़ाए थे हम लोग लिटरेचर में? कहाँ तक तो हुआ था हम लोग का? अब मैम गौरिया तक हो गया था। लोग का 19 चैप्टर। यस मैम 19 चैप्टर नाइनटीन चैप्टर ना? पढ़ाना चलिए ठीक है। यस है। आदर्श मित्रता, मैम ठीक। चैप्टर 19, ठीक। लिखा है मित्रा। यस मैम। यस मैम। ठीक। कल हाँ बोलो बोलो। क्लास क्यों थी? मैम बेटा कल 26 थी ना? मगर कल तो आया था कि 10 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। नहीं बेटा, 10 बजे क्लास नहीं, 10 बजे आप लोगों का जो प्रोग्राम होना था वो स्टार्ट होना था, ठीक है? चलिए चलिए स्टार्ट करें। यस ओके कर लिए सभी लोग। चलिए, मैम। आदर्श मित्रता चैप्टर का नाम है, ठीक है? के यस समा की ऐसी आदर्श मित्रता थी कि आज भी लोग सच्चे मित्रों के रूप में उनका उदाहरण दे रहे हैं। क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दो दोस्त होते हैं, ठीक है, जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनका? हाँ बोलो ऋषि। आपकी आवाज फस फसते आ रही है। माइक ऑफ करके फिर से ऑन करो। यस सही आ रही है मैम। ईशा? यस चलिए चलिए ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो कृष्ण और सुदामा थे उनका यहाँ पे विस्तृत वर्णन किया जाता है, उन किस बारे में? सच्ची मित्रता के बारे में। उनको आज भी लोग उनका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? रही है। यस मैम। कृष्ण और सुदामा बचपन में संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ा करते थे। यहाँ पे कौन दो मित्र थे? यहाँ सुदा पे मित्र कृष्ण थे सुदामा सुदामा और किस और कृष्ण कहाँ पे ये लोग बचपन में पढ़ते थे आश्रम में मैम। पढ़ा करते थे, संदीपन आश्रम में, ठीक है? संदीपन यस मैम। क्या आश्रम आश्रम में पढ़ा पढ़ा गुरु और गुरु की पत्नी का उन पर बड़ा स्नेह था। क्या था? यहाँ पे बताया जा रहा है जो गुरु थे, कौन गुरु? जहाँ पे सुदामा और कृष्ण पढ़ा करते थे, जो उनके गुरु थे उनका, उनकी पत्नी का उन पर बड़ा स्नेह था। जो कृष्ण और सुदामा थे, गुरु जी भी उनको बहुत ही प्यार करते थे और उनकी पत्नी भी करती थी। पढ़ाई समाप्त करने के बाद दोनों अपने अपने घर को लौटे। क्या हुआ? आप लोग भी क्लास में होते हो, क्लास जब होती है आप लोग सारे फ्रेंड्स आते हो तुम लोग क्लासेस में, तो फिर एक समय बाद जब आप लोगों की पढ़ाई खत्म हो जाती तो क्या होता है? अपने अपने मंजिल की ओर चले जाते, ठीक है? तो ये लोग भी क्या किए, जब इन लोगों की पढ़ाई खत्म हो गई दोनों अपने घर की ओर चले गए। समय बीतता गया। क्या हुआ? एक समय हुआ कि समय यहाँ पे बीतता चला गया। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए। कृष्ण क्या हुए? कहाँ के राजा बने थे? द्वारिका। द्वारिका कृष्ण जो थे, द्वारिका के मैम द्वारिका द्वारिका के राजा बने, उनका नाम सारे देश में प्रसिद्ध हो गया। उनका क्या हुआ? सारा नाम ही उनके देश में प्रसिद्ध हो गया। किंतु गया। सुदामा के ये दिन घोर गरीबों में कट रहे थे। सुदामा क्या थे? गरीब
एक गरीब परिवार सुदामा क्या हुए? मैं गरीब गरीब नहीं गरीब गरीब तो उनका क्या हुआ गरीब? मैम आपकी फसल बहुत मैम फसल रही है बेटा बाकी बच्चों को तैयारी है साबिया? यस मैम तैयारी है आज। यस मैम आ रही है इधर भाई। ऋषि तुम अपना सही करो माइक, ठीक है माइक अपना सही करो, स्पीकर ऑफ करो। तो क्या हुआ जो कृष्ण थे द्वारिका के राजा बन गए, उनका नाम सारे देश में प्रसिद्ध हो गया, किंतु सुदामा के दिन घोर गरीबों में कट रहे थे। वो क्या थे? बहुत ही गरीब थे, उनका दिन गरीबों में कट रहा था। घर में पत्नी भी थी, घर में क्या थी? पत्नी भी थी। कभी कभी दोनों को बिना खाए ही सो जाना पड़ता था। क्या था? इतने वो गरीब थे कि सुदामा उनकी पत्नी को भूखे पेट ही सोना पड़ जाता था। एक दिन पत्नी ने सुदामा से कहा, क्या हुआ? एक दिन पत्नी ने सुदामा से कहा, स्वामी आपने बहुत बार कहा है कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। सुदामा की जो पत्नी रहती है वो उनसे कहती है कृष्ण सुदामा से कि जो आप जो बताते हैं कि आपके जो मित्र हैं वो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, इस मित्रता से भला क्या लाभ है? घर के सभी बर्तन टूटे फूटे हैं, अन्न का एक दाना भी घर में नहीं है, हमें भूखे पेट सोना पड़ता। वो क्या कह रहे हैं कि हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। मित्र तो संकट के समय ही काम आते। वो क्या कह रहे हैं? मित्र जो होते हैं वो संकट के समय ही काम आते हैं। सुदामा भी दुखी थे, धीरे धीरे क्या हुआ, सुदामा भी दुखी होते चले गए। इसलिए उन्होंने द्वारिका जाने का निश्चय किया। ठीक है, उसने उन्होंने क्या निश्चय किया सुदामा ने कि क्यों ना अब हम द्वारिका जाएं। ठीक, सुदामा की पत्नी पड़ोस में गई। सुदामा की पत्नी क्या की? पड़ोस में, जो हमारे घर के अगल बगल रहते हैं वहां गई। उन्होंने कहा, पत्नी पड़ोस में गई और थोड़े चावल मांग लाई। उसने क्या किया? थोड़ा चावल पड़ोस से ले आया। उसने सुदामा की मैली सी चादर के कोने में चावलों को बांधा। उसने क्या किया? सुदामा की मैली सी जो चादर थी उसमें उसको बांध दिया। हमारे पास श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं। वो क्या कहती है उसकी पत्नी सुदामा से कि हमारे पास श्री कृष्ण को भेंट मतलब उपहार होता है देने के लिए कुछ भी नहीं है, स्वामी ये कुछ चावल ही उन्हें भेंट दे देना। वो क्या कहती है कि स्वामी ये चावल ही इन्हें तुम भेंट दे देना। गांव गांव से भिक्षा मांगते हुए सुदामा पैदल चलकर कई दिनों के बाद द्वारिका पहुंचे। क्या हुआ? वो अब द्वारिका क्या करने गए थे, श्री अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने गए थे, उनसे बताने गए थे कि वो बहुत ही गरीब हैं, उनके पास अब अन्न का एक दाना भी नहीं है। तो वो निकले द्वारिका के लिए, जब निकले तो गांव गांव भिक्षा मतलब भीख मांगते हुए पैदल चल दिए और कई दिनों के बाद द्वारिका पहुंचे। द्वारिका की शोभा देखकर वह चकित रह गए। क्या देखें कि द्वारिका की जो आलीशान बंगला था महल था वो देखकर वो चकित रह गए। पूछते पूछते वे श्री कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। वो क्या किए, उनको द्वारिका में श्री कृष्ण का जो घर था भवन था वो उन्हें नहीं पता था, तो गांव में पूछते पूछते वहां तक पहुंच गए। द्वार पर पहरा लगा हुआ था, द्वार पे क्या था, सैनिक थे जो पहरा दे रहे थे। सुदामा ने द्वारपाल को अपना नाम बताते हुए कहा, भैया मैं श्री कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। वो क्या कहे, जो पहरेदार थे उनसे वो कहता है सुदामा कि मैं श्री कृष्ण के बचपन का मित्र हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल ने जाकर श्री कृष्ण से कहा कि द्वार पर खड़ा एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बता रहा है, उसका नाम सुदामा है। जो द्वारपाल था मतलब जो पहरेदार था वो जाता है, क्या करता है, श्री कृष्ण से कहता है कि आपका एक मित्र आया है, वो बता रहा है कि मैं वो आपका बचपन का मित्र है, उसका नाम सुदामा है। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ चले और उनसे जाकर लिपट गए। वो क्या किए हैं श्री कृष्ण,
जैसे ही उन्होंने सुना कि सुदामा उनका मित्र मिलने आया है, वो नंगे पांव ही दौड़ गया उनसे जाकर लिपट गए। वे बड़े प्रेम से सुदामा को भीतर लाए, उन्होंने क्या किया, बड़े ही प्रेम से सुदामा को अंदर ले आए, स्वयं उनके पैरों को अपने हाथों से धोए। उन्होंने क्या किया, स्वयं अपने ही हाथों से, जो इतने बड़े राजा थे श्री कृष्ण, इतने बड़े भगवान थे, वो क्या किए, सुदामा को अपने हाथों से उनका पैर धोया, उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाकर अपने पास ही सिंहासन पर बैठाया। उसने क्या किया, किसने, श्री कृष्ण ने क्या किया, उनको अच्छे अच्छा वस्त्र पहनाकर सिंहासन पर बिठाया और उनका बड़ा आदर सत्कार किया, उनका बहुत ही सम्मान किया। तभी श्री कृष्ण ने चुपचाप वह पोटली उनकी बगल से खींच ली। उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण ने जो चावल की पोटली थी उसे बिना पूछे उन्होंने खींच ली और उसमें बंधे हुए चावल बड़े प्रेम से खाने लगे। जिसमें चावल बंधे हुए थे वो क्या करते हैं, बड़े ही प्रेम से खाते हैं। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी मित्र के प्रति अपने पति का यह प्रेम देखकर आश्चर्य कर रही थी। वो क्या देख रही थी कि चावल ही पोटली में सिर्फ बंधा है और वो बड़े ही प्रेम से खा रहे हैं। जो उनकी पत्नी श्री कृष्ण की पत्नी जो रुक्मणी थी वो देखकर ये बहुत ही आश्चर्य कर रही थी। कई दिनों तक सुदामा की आवभगत होती रही। क्या हुआ, उस महल में बहुत दिनों तक उनकी सेवा सत्कार होता रहा। अंत में वह अपने गांव लौट चले। अंत में क्या हुआ, वो अपने मित्र से विदा लेके अपने गांव की ओर चल दिए। चलते समय श्री कृष्ण ने उसको कुछ नहीं दिया। क्या हुआ कि जब वो जा रहे थे तो श्री कृष्ण ने सुदामा को कुछ भी नहीं दिया। सुदामा वापस आए तो उन्हें अपना गांव ना मिला। वो जब सुदामा वापस आने लगे तो उन्होंने देखा वहां गांव ही उनका नहीं है, बल्कि गांव की जगह एक सुंदर नगर बसा हुआ था। उन्होंने क्या देखा कि जहां वो सुदामा रहते थे एक गांव टाइप का था, तो वो ना रह के क्या था, वहां पे एक सुंदर सा नगर बसा हुआ था। उन्होंने अपनी झोपड़ी भी ढूंढी। उन्होंने क्या किया, अपनी झोपड़ी भी ढूंढी, मतलब झोपड़ी में जहां वो रहते थे घर उनका था, उन्होंने वो ढूंढे, पर वह वहां नहीं थी। कुछ ही देर में रानी जैसे सुंदर वस्त्र पहने हुए उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया। कुछ ही देर में क्या हुआ, जो उनकी पत्नी थी वो बहुत ही सुंदर रानियों जैसा वस्त्र पहन के उनका स्वागत की। सुदामा ने अपनी पत्नी को भी नहीं पहचाना। सुदामा क्या था, वो तो बहुत गरीब था और उसकी पत्नी रानी जैसी लग रही थी, तो वो पहचान नहीं पाया। पत्नी ने हंसकर सारी बात बताई, कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही यह सारा धन और वैभव मिला है। वो क्या बता रहे हैं, बता रही थी कि श्री कृष्ण जिनसे आप मिलने गए थे अपने मित्र से, उन्हीं की वजह से आज हम लोग धन से हमारा घर और वैभव से, मतलब संपत्ति से हमारा घर भरा है। यह सब देखकर सुदामा को ज्ञान हुआ कि कृष्ण ने उन्हें कुछ ना देकर भी कितना कुछ दे दिया। क्या हुआ था, जब सुदामा लौट रहे थे अपने गांव की ओर तो श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया था, तो उस टाइम पर सुदामा बहुत ही दुखी हुए थे कि उनके मित्र से मदद मांगने आए थे, उनके मित्र ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जैसे ही सुदामा अपने घर पे आए तो उन्होंने देखा बहुत ही सुंदर महल हो गया है। वो सब किसका था, किसकी वजह से, श्री कृष्ण की वजह से। जो चावल की पोटली वो ले गए थे तो जितनी बार उन्होंने खाया था उससे क्या हुआ था, उनके सुदामा के घर में धन की बढ़ोतरी होने लगी थी। समझ में आ रहा है, बताइए। घोर मीन्स होता है, ये लिखे, घोर मीन्स होता है, दिख रहा है सभी को, बताइए। यस मैम, बहुत ज्यादा ठीक मैम, बहुत ज्यादा है बेटा। आओ भगत, मैम आधा सत्कार, आधा सत्कार। आओ भगत मीन्स क्या होता है, आधा सत्कार, ठीक है। तो स्टोरी में समझ में आई कि किसके बारे में चर्चा की गई थी, दो मित्रों के बारे में, ठीक है। आज भी उदाहरण दिया जाता है, जब दो मित्र होते हैं, जो अच्छे मित्र होते हैं, तो सुदामा और कृष्ण का ही उदाहरण देकर उसे समझाया जाता है। तो स्टोरी समझ में आई, यस मैम।
कुछ डाउट किसी को जहाँ पे ना समझ में आए, कोई ऐसी लाइन जो इसमें ना लिखी गई हो जो आप लोगों को पूछना है बताइए। नो मैम। चलिए क्वेश्चन से बताइए, कृष्ण और सुदामा बचपन में किस गुरु के आश्रम में पढ़ा करते थे? सुदामा थे। संदीपन है, ठीक है। यस मैम। काविया। यस मैम। आप देंगे इस क्वेश्चन का आंसर? बेबी से तंग होकर सुदामा की पत्नी ने उनसे क्या कहा? मैम उन्होंने अपनी पत्नी ने उनसे कहा कि आपने बहुत बार कहा है कि मैम द्वारका के जो राजा है वो आपके बचपन के मित्र हैं, इस मित्रता का मतलब कि क्या लाभ है, क्या लाभ है कि जब आपके वो मदद ना करें ना, ठीक है। फिर उसके बाद है ऋषि राजा, आप बताइए सुदामा के भेंट देने के लिए क्या लेकर गए? मैम एक बार और। सुदामा से कृष्ण को भेंट देने के लिए क्या लेकर गए थे? मैम चावल। चावल एक पोटली में चावल बांधकर उन्होंने लिया था। अंशुमन, अनन्या, आप लोग में कोई बताएं सुदामा का सत्कार कृष्ण ने किस प्रकार किया? बताइए अंशुमन, अनन्या, जिससे आप आंसर बताएं। पता है किसी को यह आंसर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बताइए साबिया, आप बताओ। मैम उन्होंने मैम उन्हें अपने मैम अंदर लाया, फिर मैम उनके पैर हाथों से धोया, फिर उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाकर अपने सिंहासन पे अपने साथ ही बैठाया और उनका बहुत सारा आदर सत्कार किया। वेरी गुड। फिलिंग द ब्लैंक्स है कृष्ण का स्वभाव। बताइए क्या था कृष्ण और सुदामा बचपन में दश गुरु के आश्रम में पढ़ा करते थे? मैम संदीपन। मैम संदीपन। कृष्ण दश के राजा बन गए। मैम द्वारका। मैम द्वारका राजा बन गए। द्वारिका तीनों की सुदामा की डैश होती रही, क्या होता? आ भगत। आ भगत। गांव की जगह एक नगर बसा हुआ था, गांव की जगह एक डैश नगर बसा हुआ। सुनते ही श्री कृष्ण नंगे पैर चले, नंगे पैर दौड़े चले आए। तो समझ में आया आप लोगों को ये चीज? बताइए। यस मैम। यस मैम। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं किसी को समझने में, ठीक है? नो मैम। यस मैम। अब लास्ट चैप्टर बचा है, लास्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, ठीक है? क्लियर है? यस मैम। चलिए थैंक यू मैम।